गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स. टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ क्लास थर्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक. स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 10, द बैलून मैन, विच इज़ ऑन पेज नंबर 69. स्टूडेंट, ये एक पोयम है. ओके स्टूडेंट्स, बैलून मैन की. बैलून मैन मतलब गुब्बारे वाला आदमी, जो गुब्बारे बेचने आता है ना. गुब्बारे बेचने वाला कौन होता है? बैलून मैन. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, लेट्स स्टार्ट. देर आर मैनी पीपल अराउंड यू हु सेल वेरियस थिंग्स विच यू लाइक टू परचेज. आप अपने चारों ओर बहुत से लोग देखते हो जो अनेक प्रकार की चीज़ें बेचते हो और जिन्हें आप खरीदना पसंद करते हो. राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर सच पीपल इन द गिवन स्पेस. ऐसे ही कुछ चार लोगों के नाम लिखने हैं आपको, जिनसे आप ये सब चीज़ें खरीदते हो जो आपकी गली में आते हैं, जैसे आप उनसे खरीदते हो फेरी वालों से. एक तो हो गया जैसे बैलून मैन, द आइसक्रीम मैन. ओके, आइसक्रीम आप भी बहुत पसंद करते हो ना. आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम वाला आया. और एक है आपका, एक है चॉइस मैन. ठीक है, जो खिलौने लेकर आता है गलियों में खिलौने बेचने के लिए. और एक है मंकीज मैन, मतलब जो बंदर का शो दिखाते हैं. तो ये सब आपको बहुत पसंद है ना स्टूडेंट्स. चलिए अगला देखते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ इज, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज. वे हमेशा बाजार के दिनों में आता है. एंड होल्स बैलून अ लवली बंच. और वो बैलून्स यानी गुब्बारे के जो बहुत प्यारे से गुच्छे बने होते हैं ना, उनको होल्ड करके वो खड़ा होता है. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज. और वो कहाँ ठहरता है? मार्केट के चौराहे पर, बाजार के चौराहे पर. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. और वो कभी भी खाने पीने की उसको सुध नहीं होती, वो लंच के बारे में तो सोचता ही नहीं है. और स्टूडेंट्स, दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. वे लाल, पर्पल, नीले और ग्रीन कलर के होते हैं. एंड वेन इट इज़ अ सनी डे. और जब सूरज बहुत तेज, सूरज की रोशनी होती है ना, बहुत सूरज वाला दिन होता है, तब तो कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन. हालांकि रेड़े वाले और जो लोगों के बीच में जब वो होता है बैलून्स वगैरह, जब खड़े उनके पास होते हैं, यू सी दैम शाइनिंग फार अवे. और आप उनको देखोगे कि वो दूर से ही चमक जाते हैं. बैलून्स कहीं पे भी हो, जब बैलून्स वाला लेके खड़ा होता है बैलून, तो आप देखते हो आपको दूर से ही नज़र आते हैं, चाहे वो रेडियो के बीच में खड़ा हो कहीं या आप लोगों की भीड़ में हो, तो आपको बैलून्स चमकते हुए दूर से ही दिख जाते हैं. बैलून वाला, आई वॉन्ट टू सम परचेज बाय बैलून. ओके, तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं वो बैलून्स खरीदना और उनके साथ खेलना. तो नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी ऑल ऑफ यू. एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना. ओके स्टूडेंट्स.